कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो एसएससी जीडी के आधार पे होगा और इसके आज हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ इतना कम क्यों जाने वाला है आपके स्टेट का। ये बात आप लिख के रख लीजिए कि हर बार से इसका कट ऑफ जो है, इस बार जो है आप लोगों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएंगे कि क्यों इसका रीजन, क्या रीजन है इसका कट ऑफ जाने का, विथ ऑफिशियल डाटा और विथ प्रूफ आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का कट ऑफ के बारे में, कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि कट ऑफ के बारे में लाइए। इससे पहले भी हम कई बार हर स्टेट का कट ऑफ वाइज वीडियो ला चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिर से हम वो वीडियो लाएं कट ऑफ का स्टेट वाइज, तो आप जिस स्टेट के बारे में डिमांड करेंगे उस स्टेट के बारे में हम कट ऑफ लाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि विथ प्रूफ और पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग डील करेंगे कि क्यों आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप किया गया था वो आप लोगों का किया गया था लगभग 71 लाख लोगों का लोग जो है कि एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किए थे, ठीक है। 71 लाख जो है, जब भर्ती आई थी 25,281 पोस्ट की लगभग थी, उसमें 71 लाख लोग फॉर्म जो है अप्लाई किए थे। मेरे पास कुछ डाटा भी है, उसको हम आप लोगों को देते हैं। 71 लाख लोग जो ऐसे थे जो फॉर्म को फिल अप किए थे। उसके बाद सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद 2.85 लाख ये जो थे, 2.85 लाख जो है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई किए थे। एग्जाम क्वालिफाई कितने लोग किए थे? 71 लाख लोग में से कितने लोग क्वालिफाई किए हैं? 2.85 लाख लोग। ये ऑफिशियल डाटा है, आप इसे जाके साइट पर चेक भी कर सकते हैं कि फॉर्म कितना भरा गया था और कितने बच्चे जो है कि फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और देखिए, इसमें फिजिकल के लिए लगभग कितने लोग हैं, इसमें फिजिकल के लिए लगभग 90 से 1 लाख लोग तक हैं, 90 से 1 लाख मैक्सिमम बता रहे हैं कि फिजिकल क्वालिफाई जितने जो किए हैं वो 90 से 1 लाख लोग जो हैं कि फिजिकल को क्वालिफाई किए हैं। देखिए इसमें एग्जाम में जो था आप लोगों का एग्जाम, देखिए इसमें कट ऑफ हाई जाने का रीजन देखिए 2-3-4-5 रीजन है, हम आपको सारा कुछ अभी बताते हैं। जो आपका जो कट ऑफ एग्जाम जो दिए थे, आप देखे होंगे अगर इससे पहले, अगर 2018 का आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम, एक तो सबसे पहले कि एग्जाम कट लेवल जो है कि टफ था अकॉर्डिंग 2018 के। उसके बाद सबसे बड़ा बात इसमें आया, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा यही इम्फेक्ट करेगा आपको कट ऑफ पे, कि इसमें माइनस मार्किंग लगा हुआ था। सबसे ज़्यादा इसमें क्या था कि इसमें माइनस मार्किंग लगा हुआ था, इसलिए भी कट ऑफ आप देखिएगा तो हर स्टेट का, किसी भी स्टेट का आप उठा के देख लिए, पिछले 2018 का कट ऑफ और इस बार का कट ऑफ, आपको 10-10, 10-12 नंबर का आपको कट ऑफ का डाउन मिलेगा आप लोगों को। डाउन कट ऑफ पिछला बार अगर आपका 70 गया था कट ऑफ, तो इस बार आप लोगों को 60 गया कट ऑफ। चाहे किसी भी स्टेट का देख लीजिए आप, जहाँ कभी आपको देखना है 8 से 10 नंबर बिल्कुल 100% है कि कट ऑफ जो है कि कम गया है हर स्टेट का। उसके बाद दूसरा रीजन क्या था कि आपको डॉक्यूमेंट में आप लोगों को टाइम नहीं दिया रहा था। इसमें जब आपका फिजिकल चल रहा था तो जिसका भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी था तो उसको टाइम नहीं दिया जा रहा था और उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, तो ये भी दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन आप लोगों का क्या है कि तीसरा रीजन जो है आप लोगों का, इसमें क्वेश्चन टफ था, ये तीसरा रीजन ये हो गया। और इसमें कट ऑफ जाने का और भी, इसमें जो बच्चे जो है ना, इसमें कम क्वालिफाई किए हैं। देखिएगा बच्चे जो हैं इसमें कम क्वालिफाई किए हैं। आप लोग फॉर्म फिलअप कितना किए थे? 71 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। उसके बाद लगभग 11 गुना बच्चे जो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, और उसमें से 25% लगभग या 30% बच्चे जो है कि फिजिकल देने गए ही नहीं थे, और जो फिजिकल देने गए थे उसमें से भी हाइट छाटा गया, वेट छाटा गया, चेस्ट में छाटा गया, रनिंग में छट गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छट गए। जो अधिक नंबर वाले थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो रनिंग में फिजिकल नहीं निकाल पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो छट गए हैं। तो इसमें से लगभग, और आप लोगों का जो बचे हैं वो 4 से 5 गुना बच्चे आप लोगों के बचे हुए हैं, 4 से 5 गुना बचे हुए हैं। और आपको पता होगा जो आप लोगों का 25,000 फॉर्म निकला हुआ था, 25,000 इसमें आप लोगों मेडिकल के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मेडिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 3 गुना बच्चे। और कितने बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हुए थे? तो
एग्जाम कितने लोग क्वालिफाई किए थे, तो 285,000। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 90 से 1 लाख लोग जो है कि फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, 90 से 1 लाख लोग जो है इसमें फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। तो 25,000 का 3 गुना कितना होता है, तो 75,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 25,200 कुछ है इसमें भर्ती, और एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, 25,288 या 81 भर्ती है, तो आप जोड़ लीजिएगा। एक राउंड फिगर में हम डाटा लेके चल रहे हैं, तो मेडिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कितना हो जाता है 3 गुना, 75,000 बच्चे जो है कि मेडिकल देने के लिए जाने वाले हैं। और फिजिकल क्वालिफाई कितना लोग किए हैं, फिजिकल क्वालिफाई कितना लोग किए हैं, मात्र 90 से 1 लाख लोग फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। किसी भी सेंटर में आप देखिएगा जो 350 बच्चे थे उसमें से आप लोगों को 40% अप्रॉक्स जो है कि बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल के हों, ओबीसी के हों, मैक्सिमम जो है कि एसटी एससी वाले बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। और एक और आपको हम डाटा दे देते हैं, ये भी ऑफिशियल डाटा है, सबसे ज़्यादा जो फिजिकल क्वालिफाई करने वाला स्टेट जो है, सबसे ज़्यादा जो फिजिकल क्वालिफाई करने वाला स्टेट है वो आप लोग का जम्मू है। जम्मू इसमें 80% लोग जो है ना फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, सबसे ज़्यादा जो फिजिकल क्वालिफाई करने का रेट रहा है सबसे ज़्यादा वो रहा है आप लोगों का जम्मू का। जम्मू में 80% लोग हैं जो फिजिकल को क्वालिफाई किए थे। और देख लीजिए यहाँ पे अब कितना हो रहा है, यहाँ पे 75,000 लोगों को इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। 75 क्या ज़्यादा ही लोग होंगे इसमें, लगभग 76,000 लोग इसमें मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो जितना भी आप लोगों का अभी फिजिकल का कट ऑफ है ना, मान लीजिए एक हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि आपका मान लेते हैं कि 50 नंबर आप लोगों का फिजिकल का कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है, 50 नंबर कट ऑफ गया हुआ है। हम लगभग सारे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक ओवरऑल डाटा हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए क्योंकि ये जो सीट है इसमें तो सारे लोग हैं, सारे स्टेट के लोग होंगे, और फिजिकल भी सारे स्टेट के लोग ही क्वालिफाई किए होंगे, तो इसमें भी सारे स्टेट के लोग क्वालिफाई करेंगे 75,000 में। तो देखिए हम आपको ये बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका आपका कटअप जो है ना वो 60 गया है, फिजिकल का कटअप अगर आपका 60 गया है, तो आपका मेडिकल का कटअप जो है ना मुश्किल से अगर बढ़ेगा ना तो एक से डेढ़ नंबर आप लोगों का बढ़ेगा। देखिएगा एक से, या फिर मैक्सिमम बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा अगर कि कटअप बढ़ना रहेगा तो आप लोगों का बढ़ेगा कितना, 1 से 2 नंबर आप लोगों का मार्क्स बढ़ेगा, 1 से 2 नंबर आप लोग हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो आप, किसी भी स्टेट से अगर आप है ना, तो आपका जो है 1 से 2 नंबर जो है कि आप लोगों का कटअप जो है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आपका, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए कितने लोग हैं, लगभग मान लेते 1 लाख लोग होंगे, 1 लाख लोग से ज़्यादा नहीं है सिलेक्टेड, फिजिकल जो क्वालिफाई किए हैं ना वो 1 लाख से नहीं ज़्यादा सेलेक्टेड है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको फिजिकल से हम लाइव वीडियो कर रहे थे आपको वो देख लीजिएगा, और उसके बारे में पूछ भी रहे थे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए आज, उसको भी आप एनालाइज कीजिएगा, हमने तो एनालाइज किया है। आप भी जाके अगर चाहते हैं आप एनालाइज करना तो आप भी ये कट ऑफ निकाल सकते हैं, जाके उसको एनालाइज कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि फिजिकल जो है ना, फिजिकल जो है इसका 40% लोग ही क्वालिफाई कर रहे हैं, 40% से ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं फिजिकल का। तो इसलिए इसमें से मात्र 25,000 लोग जो है ना, 24,000-25,000 लोग जो है इसमें से छटने वाले हैं, मेडिकल नहीं देने वाले हैं। उसके बाद 75,000 जो बचेंगे इसमें से भी आप लोगों का मेडिकल में बहुत लोग है कि डिस्क्वालीफाई होंगे, 1 सीट पे 3 लोग बुलाया जाता है मेडिकल में, उसके बाद उसमें से भी बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट देखिएगा, हालांकि ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, एक एवरेज बता रहे हैं आप लोगों का, जो भी फिजिकल का कटअप गया होगा और फाइनल कटअप इसमें से आप लोगों को मैक्सिमम अगर बढ़ेगा तो 6 से 7 नंबर किसी स्टेट का बढ़ गया तो बढ़ गया, 6 से 8 नंबर जिसका बहुत ज़्यादा कटअप बढ़ता है, जैसे झारखंड का कटअप बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा, पिछले बार 12-12 नंबर बढ़ा था फिजिकल से फाइनल मेरिट तक, तो उन लोगों का भी बता रहे हैं 6 से 8 नंबर तक बढ़ने वाला है इस बार। और जो जहाँ पे कटअप हाई आता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे 3 से 4 नंबर आप लोगों को बढ़ेगा, 3 से 4 नंबर कुछ अपवाद में बढ़ गया स्टेट का तो उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बता रहे हैं जहाँ पे हाईएस्ट कटअप जाता है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन जगह कटअप जो है फिजिकल के कटअप से आप लोगों का
तीन से चार नंबर आप लोगों का इंक्रीज करेगा, और मेडिकल जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ में तीन से चार नंबर आप लोगों का इंक्रीज करेगा, और जो भी जिसमें हाई जो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन जगहों पर छः से आठ नंबर भी अगर आपका ज़्यादा है फिजिकल के कट ऑफ से, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और अगर आप 10 प्लस नंबर है, चाहे किसी भी स्टेट के हों, 10 प्लस नंबर है आप लोगों का, तो आप जेड प्लस सिक्योरिटी में है, यानी कि आपका जॉब कंफर्म है। जॉब कंफर्म ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा जॉब जो आप प्रेफरेंस दिए थे उसमें से आप लोगों को ऊपर से दो तीन नंबर में आप लोगों को जॉब मिल जाएगा अगर आपका 10 प्लस नंबर है तो। ये आप लोगों के जेड प्लस सिक्योरिटी में है। जेड प्लस सिक्योरिटी में मतलब इनको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। अगर ये मेडिकल फिट हो जाते हैं तो इनका जॉब जो है बिल्कुल कंफर्म है। दोस्तों मेडिकल के बारे में आपको हम बता देते हैं कि मेडिकल के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि नौकरी कैसे करें, ठीक कैसे करें, और मेडिकल किस तरह से चेक होता है। बिल्कुल आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट एक SSB के हैं, उन्होंने बताया था कि किस तरह से आप लोगों का मेडिकल होता है। तो वो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों का हेल्प हो जाए। अगर मेडिकल में किसी तरह कुछ हेल्प चाहिए आप लोगों को, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अपना, कि आपको किसी स्टेट के बारे में, अगर पर्सनली किसी स्टेट के बारे में आपको कटअप के बारे में चाहिए जानकारी, तो आप हमें कमेंट करें नीचे। हम स्टेट के बारे में जितना सीट होगा, जितना फिजिकल क्वालिफाई किए होंगे और जितना मेडिकल में जाने वाले, सारा कुछ आपका डाटा, पूरा एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को हम लेकर आएंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये बताइए आप लोग कि अब ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे, और जितने भी कैंडिडेट हैं SSC GD वाले उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। और आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को SSC GD के मेडिकल के बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग, किस तरह से मेडिकल हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, सारा कुछ मतलब A to Z जानकारी आपको मेडिकल के बारे में, जब से आपका मेडिकल चालू होगा 26 अगस्त से, उस समय से हम आप लोगों को पूरा अपडेट देंगे। तो इसलिए चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।